कुश्ती के अखाड़े में पहलवानों को चित्त करने वाले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अब सियासी दंगल में हाथ आजमाएंगे। दोनों पहलवान कांग्रेस के सिपाही के तौर पर विरोधियों से न सिर्फ दो दो हाथ करेंगे बल्कि उन्हें धूल चटाने की कोशिश करेंगे। दोपहर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में ये तय है कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में इन्हें मैदान में उतारेगी। माना जा रहा है कि विनेश को दादरी जबकि बजरंग को बादली या फिर किसी जाट बाहुल्य सीट से उतारा जा सकता है। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने की आखिर क्या वजह है और क्यों दोनों ने कुश्ती के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े में दंगल करने का मन बनाया, इस सवाल का जवाब खुद विनेश और बजरंग ने दिया। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। उन वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करा, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ, लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। विनेश फोगाट का राजनीतिक प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। माना जा रहा है कि विनेश के आने से कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। उनके खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते न सिर्फ उन्हें बल्कि कांग्रेस को भी चुनाव में बड़ा समर्थन दिला सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की भूमिका हरियाणा की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य की पूरी राजनीति जाट बनाम गैर जाट के सियासी और जातीय गोलबंदी के समीकरण पर चलती है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों हरियाणा की राजनीति में असरदार जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं। हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, चरखी, दादरी और सिरसा तक जाट समुदाय ही कई विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला करता है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से इन इलाकों की 36 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं। इसलिए कांग्रेस ने हुड्डा परिवार की पैरवी, सहानुभूति लहर और जाट समुदाय के वोटों की उम्मीद में विनेश फोगाट के पक्ष में दाव लगाया है। हरियाणा में पिछले एक दशक से जारी भाजपा की सरकार में गैर जाट नेताओं की ताकत बढ़ी है।
भाजपा ने पहले मनोहर लाल खट्टर और फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले साल 2005 से 2014 तक हरियाणा में कांग्रेस ने जाट बिरादरी से आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया हुआ था। इसको लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सतह पर आ चुकी है। हरियाणा में अगर पिछले चुनावों की तरह जाट और गैर जाट मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की भावुक अपील कांग्रेस के पक्ष में लोगों को एकजुट कर सकती है और भाजपा को नुकसान हो सकता है। हरियाणा में गैर जाट समुदाय की आबादी 75% है। हरियाणा में खिलाड़ियों की अपील जाति से ऊपर उठकर लोगों पर असर करती है। हालांकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे एथलीट विरोध प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ये लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक साठगांठ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होगा, वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस में शामिल होने से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को क्या फायदा होगा और कांग्रेस को क्या फायदा होगा। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।